बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। सामने जो दृश्य देख रहे हैं ये आपको बता दें कि आज एक जन्मदिन के पार्टी के दौरान गोली चली है। गोली चलाने वाले शख्स कौन थे उनकी पहचान हो गई है, 6 लोगों को चिन्हित किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर दरभंगा के लहरियासराय की ये घटना है, जहाँ एक होटल में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, उसी दौरान गोली चलने से एक युवक के पाँव में गोली लग गई है। बड़ी खबर बता दें कि अशोक प्रसाद जो CTSP हैं दरभंगा के, वो पहुँच चुके थे और उन्होंने पूरे जाँच कर जो मीडिया को बताया है वो हम आपको आगे दिखाएंगे। जिस शख्स को गोली लगी है उसका इंटरव्यू आपको आगे सुनाते हैं कि मामला क्या है, क्यों ये गोली चली और क्यों गोली लग गई। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बड़ी खबर दरभंगा से, ब्रेकिंग खबर, एक शख्स को गोली लगी है जो जन्मदिन के पार्टी के दौरान, ये गोली चली है, बड़ी खबर आ रही है, देखिए पूरा कवरेज। बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था, जिसमें अन्य लोग जो आए हुए थे, जिन्होंने हम पर प्रहार किया, उनको दावत तक भी नहीं थी उस बर्थडे में जी। उन लोगों ने पांच हथियारबंद लोग बीच बर्थडे पार्टी में, खाना जब चल रहा था, घुसे और सबको बोल रहा है जिसको जहां है रहो वहीं खड़े रहो, समझे। किसी को मारने के लिए वो लोग टारगेट से आया था, वो टारगेट मैं नहीं था पर, समझे। हम बोले भाई बर्थडे हो रहा है, बर्थडे में यहाँ पर ये सब नहीं होगा, समझे। हम साइड कर रहे थे सबको ऐसे से पीछे, वो तान रहा था बंदूक मेरे ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि जिसने गोली चलाया उसको आप पहचानते हैं? उसको हम पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, शक्ल से। ऐसे हम बात कुछ हम कभी नहीं उससे, कोई शर्म भी नहीं, ना झगड़ा है ना बात है उससे। उसका नाम बता सकते हैं? उसका नाम है सब रौनक सिंह, समर साहिल जी, आदित्य कुमार भगत, उसका बाप महेश कुमार भगत, उसके बाद ये एक और समर साहिल बोले ना जी, और एक ये दो लड़का और बच रहा है, समीर शहजादे, समीर शहजादे, हाँ सही बोला, और एक और लड़का वो था। सारे आदमी के पास हथियार था? सारे हथियार, रुपेश, हाँ रुपेश सिंह, सारे आदमी के हाथ में हथियार था, और सारे आदमी, किसी को दावत नहीं था उसमें जाने का। आप लोग साइड हो जाइए। कहाँ पे गए थे आप लोग? हम लोग हाउसिंग बोर्ड में, एक दुर्गा वन है उसके अंदर। देखिए, ये बर्थडे पार्टी बुकिंग थी, एक छोटी मियाँ वकील करके हैं, उनके बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, और ये सात फेरे करके है ये जगह, और बर्थडे पार्टी के क्रम में ही बताया जा रहा है कि अंदर में जो लोग आए हुए थे उसमें से ही कुछ लोगों ने फायरिंग की और एक व्यक्ति जख्मी हुआ है जो DMCH में भर्ती है, उसका बयान लिया गया। उसने 6 लोगों को चिन्हित किया है और उन 6 लोगों में को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, जिस 6 अपराधी का नाम सामने आ रहा है, वो अपराधी कौन है, उसका क्या इतिहास रहा है? वो सभी लोग जितने हैं, सबका पूर्व का कुछ ना कुछ आपराधिक कनेक्शन रहा है। ये जैसे रौनक सिंह के बारे में बताया जा रहा है, आदिल के बताने, सबका कुछ ना कुछ आपराधिक इतिहास रहा है, और वो सब उस टाइप के मनचले और मतलब बदमाश टाइप के ही लड़के हैं। सर, अब तक पता चल पाया है किसे गोली मारने के लिए अपराधी आके? ये अभी तक कोई स्पष्ट नहीं, उन्होंने तो 6 नामजद किया है और ये आपस में बता रहा है कि जॉन्टी सिंह और रौनक सिंह के बीच में कुछ विवाद है जिसके वजह से फायरिंग हुई है, और ये जिनको गोली लगी है उसी क्रम में क्रॉस फायरिंग में शायद गोली लगी है अगले। सर, होटल में कोई CCTV फुटेज कैमरा नहीं लगा हुआ? नहीं, उस पर भी हम लोग जा रहे हैं कि चूँकि ये मैंडेटरी है कि सभी जगह आजकल CCTV होना अनिवार्य है इस प्रकार के पार्टी और फंक्शंस में, तो ये सवालिया निशान तो है ही जो आयोजक हैं उन पर, और मौके वारदात से जो है पैलेट मिला है उसका, जो फायरिंग उसका एक मिला है। सर, शराब पीने की बात भी कुछ लोग बता रहे हैं, उस पर भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, अभी तक तो किसी प्रकार का कुछ ये नहीं बरामद हुआ है उस बट उस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं हम लोग।